نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل امر حكيم صدق الله العظيم معزز سامعين परसों यानी बरोज इतवार, इतवार का दिन गुजार कर जो शब आएगी वो शब बरात कहलाती है। निस शाबानुल मुअज़्ज़म की शब, इसकी हदीस में बेशुमार फजीलतें वारिद हैं। इस ताल्लुक़ से बहुत सी रवायतें हैं जो आपने समाअत की होगी। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि जो अपने बंदे को कुछ ख़ास वक्तों में ख़ास मौक़े अता करता है कि अल्लाह ताला से बंदा अपनी बातें अपनी मारूज़ात पेश करके अपनी दरख्वास्त पेश करके रब की बारगाह में दुआएं करें और अपने साबिका गुनाहों से तौबा करके आइंदा अपने ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की दरख्वास्त करें। ये बेशुमार मौक़े जैसे साल में आते हैं, ईद मिलादुन्नबी की शब है, शब मेराज है, लैलतुल क़द्र है, ऐसे ही क़द्र वाली रातों में से शब बरात भी एक क़द्र वाली रात है, इज़्ज़त वाली रात है। इस रात हमें हदीस के ज़रिए से, बुज़ुर्गों के आमाल के ज़रिए से बेशुमार आमाल मरवी हैं कि जिन आमाल को करके इंसान अपने लिए रोज़ी, अपनी सेहत, आफियत, सलामती, दीन और दुनिया की सआदतें, खैर व बरकतें हासिल कर सकता है। आने वाली जो शब है उस शब की हमें बेइंतहा क़द्र करनी चाहिए। रिवायतें यहाँ तक बताती हैं कि इस शब में पूरे साल के ताल्लुक़ से बारी ताला फ़ैसले फरमाता है। उस शब नदा करने वाले को अल्लाह ताला हुक्म देता है कि ऐ मेरे बंदे, कोई है ऐसा जो रिज़्क़ का तलबगार हो, हमसे रिज़्क़ तलब करे, मैं उसे रिज़्क़ अता करूँ। कोई बीमार ऐसा है जो हमसे शिफा के लिए दरख्वास्त करे, मैं उसको मर्ज से शिफा दे दूँ। कोई ऐसा परेशान हाल है जो अपनी मुश्किलों और परेशानियों को दूर करने की दरख्वास्त मुझसे करे और मैं उसकी परेशानियों को दूर कर दूँ। तो आने वाली जो रात है इस रात की हमें क़द्र करनी चाहिए और बेइंतहा इसकी फजीलतें हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आपने भी इससे पहले सुना होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, इतना ज़रूर है कि आज की जो तारीख़ में इस शब की नाक़दरी होती है, उस नाक़दरी से हमें बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार, तस्बीह व तहलील, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिरिया और ज़ारी, आहो बका, अपनी परेशानियाँ, अपनी मारूज़ात अपने रब की बारगाह में पेश करके और उसके लिए हल की तदबीरें सोचते रहना चाहिए और क़ुरान अज़ीम की तिलावत के ज़रिए से, क़ुरान अज़ीम के अहकामात और फरमुदात के ज़रिए से इंसान को अपनी तर्ज़ रविश और अपनी ज़िंदगी तब्दील करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक शब अगर हमने रो लिया, गिड़गिड़ा लिया और अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद कर दी आहो बका की, अब हम ये चाहें कि पूरे साल नाफरमानियाँ करते रहें और अल्लाह तबारक व ताला हमारी सारे मारूज़ात को कबूल फरमा कर हमारी ज़िंदगियों में खैर ही नाजिल करता रहे, तो ऐसा नहीं होता। शबे क़द्र, शबे बरात में अल्लाह ताला से माफ़ी मांग करके और आइंदा गुनाह से बचने की कोशिश करते रहना और उस राह पर कायम रहना, सिराते मुस्तकीम पर कायम रहना, सौमों सलात की पाबंदी करते रहना, ये कामयाबी की अलामत होगी। तो इस शब में बहुत से आमाल मज़कूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साबिका रवायात के तहत इस मस्जिद में आपके जो बाद नमाज़े मगरिब 6 रकत नमाज़ें, नमाज़ों की रवायत है, बुज़ुर्गों की जानिब मंसूब है कि इस तरीके से ये 6 रकत नमाज 2 रकत नमाज पहले नियत करें सेहत व सलामती के लिए और फिर उसके बाद में 2 रकत नमाज पढ़ करके फिर इंसान
सूरह यासीन शरीफ की मुसलमानों को चाहिए, ख्वातीन को अपने घरों के अंदर और हजरात को मस्जिदों के अंदर इज्तिमाही तौर पर ज़्यादा बेहतर है, इनफरादी तौर पर भी करें अच्छी बात है, इज्तिमाही हो इनफरादी हो, लेकिन यह नमाज जो 6 रकत है जिसका तरीक़ा यह है कि पहले 2 रकत नमाज सेहत व सलामती के लिए नियत बांधे और उसके बाद में 2 रकत जिस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है, नमाज अदा की जाती है, नमाज अदा करे, बाद अज़ां यासीन शरीफ की तिलावत करे, दुआ निसफ शाबानुल मुअज़्ज़म जो मरवी है उस दुआ को पढ़े, फिर अपने लिए सेहत व सलामती की दुआ करे, फिर उसके बाद 2 रकत नमाज अब फिर नियत बांधे और उस 2 रकत में रिज़्क़ की बरकत के लिए मोहताजी से बचने के लिए नियत करे और 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद फिर यासीन शरीफ की तिलावत करे, यासीन शरीफ के बाद दुआए निसफ शाबानुल मुअज़्ज़म पढ़ने के बाद फिर दुआ अपने लिए करे रिज़्क में बरकत की और फिर उसके बाद तीसरी मरतबा 2 रकत नमाज वो बलाओं से हिफाजत के लिए, ईमान पर ख़ात्मे के लिए, जो भी इरादा हो अच्छी नीयतें अच्छा इरादा लेकर के, इसलिए कि सबसे बड़ी वाला है, सबसे बड़ी मुसीबत है बुरा ख़ात्मा, तो दुनिया में भी बलाओं से हिफाजत के लिए और आखिरत की बला से हिफाजत के लिए ईमान पर ख़ात्मे के लिए इरादा करके 2 रकत नमाज पढ़े, नियत करके 2 रकत नमाज पढ़े, बाद अज़ां यासीन शरीफ की तिलावत करे, दुआए निसफ शाबान मुअज़्ज़म पढ़े और उसके बाद में अपने लिए दुआ करे, गिड़गिड़ा के रब के इसके लिए बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करनी चाहिए। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा अपनी माँ को अपनी आहो बका के ज़रिए से मना ही लेता है, उसे यकीन होता है कि मेरी माँ मान जाएगी, ठीक इसी तरीके से परवरदिगार आलम की बारगाह में इस तरीके से अपने आंसुओं को बहाए और वो अंदाज़ व नाज़ अदा पेश करे कि परवरदिगार आलम मान जाए, और यकीन है कि अगर बंदा गिड़गिड़ाएगा परवरदिगार आलम की बारगाह में और अपनी मारूज़ात पेश करते उससे कबूल करने की दरख्वास्त करेगा तो परवरदिगार आलम कबूल फरमा ही लेगा। ये और बात है कि उसकी उसका सिला फौरी कभी जाहिर होता है, कभी तादेर जाहिर होता है, कभी देर से जाहिर होता है, लेकिन परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को कभी मरदूद नहीं फरमाएगा, वो कबूल ज़रूर फरमा लेगा। ये इंशाअल्लाह तबारक व ताला नमाज इस तरकीब से, इस तरकीब में जिस तरीके से तकदीम व ताखिर हो जाए, आगे पीछे हो जाए, नमाज की नीयतों में या नमाज के तरीक़े में कोई फ़र्क नहीं, कोई कबाहत नहीं। ये नमाज इंशाअल्लाह ताला आपकी शाही जामा मस्जिद वरमगाम में इसी तरकीब से इंशाअल्लाह ताला अदा की जाएगी और इंशाअल्लाह तबारक व ताला बड़ी खुलूस के साथ बारी ताला की बारगाह में अपनी मारूजात को हम इज्तिमाई तौर पर पेश करेंगे। याद रखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब यह हदीस मरवी है, मंसूब है कि यदुल्लाहि अलल जमाअह, अल्लाह का हाथ जमात पर होता है। इज्तिमाई तौर पर जब कोई काम किया जाता है तो उस महफिल में अगर कोई एक बंदा भी परवरदिगार आलम को महबूब है तो उसकी बरकत से परवरदिगार आलम सबकी दुआएं कबूल फरमा लेता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला ये नमाज अदा की जाएगी। और एक अहम ऐलान ये है प्यारे इस्लाम भाइयों कि अपने आप को कुरान से जोड़ें, कुरान की तालीम हासिल करें, कुरान पर अमल करें और कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। कुरान का पैगाम हमारे किरदार के ज़रिए से पहुंचेगा। बाद नमाज ईशा आपकी शाही जामा मस्जिद वरमगाम में दरसे कुरान तफसीर कुरान का एक सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और हमारे इस्लामी भाई जो भी सुनते हैं हम उनसे पूछते हैं कि आप इससे मुतमईन हैं, आपको कुछ एहसास हो रहा है। हमारे सारे इस्लामी भाई इस बात को बताते हैं नहीं हज़रत, जो भी गुफ्तगू हो रही है वो हमारे नफ़े की है, हमारे आखिरत के फ़ायदे की है, ये सिलसिला दराज होना चाहिए। हम आपसे गुजारिशें करते हैं कि आप कुरान अज़ीम की तालीम को सीखने के लिए, कुरान की तालीम को सीखने के लिए, कुरान को समझने के लिए कोशिश ये करें कि अपनी शाही मस्जिद में इशा की नमाज़ पढ़कर 10 से 15 मिनट की नशिस्त गवारा करें। और मैं ख़वातीन से गुजारिश करता हूँ कि जो मस्जिदों के अंदर नहीं आ सकती हैं, बहुत से हर ज़ुबान में तकरीबन कुरान अज़ीम का तर्जमा मौजूद है। मैं गुजारिश ये करता हूँ अपनी घरों की ख़वातीन से इस्लामी ख़वातीन से कि वो घरों के अंदर कुरान अज़ीम जहाँ एक सिपारा रोज़ पढ़ती हैं वहाँ एक सिपारा ना पढ़ करके वो एक रुकू की तलावत करें, लेकिन उसके तर्जमे उसके मानी पर गौर करें। और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो अल्लाह ताला ने जैसा कुरान शरीफ में फ़रमाया है फ़सअलू अहलद्दिक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें
पता नहीं है, तुम्हें इल्म नहीं है, तो अहले इल्म से दरियाफ्त कर लो, मालूमात कर लो, ताकि तुम्हारी इल्म की तशनगी ख़त्म हो जाए और तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर जो इस्लाम के ज़रिए से एक इनकलाब और तुम्हारे माशरे की खूबसूरती होनी चाहिए, जब आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सारी चीज़ें दिनों दुनिया की नियमतें फराहम हो जाएंगी, अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाएगा। दुआ है मौलाए करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और फिर उसके बाद ये नमाज जो अभी हमने इससे पहले ज़िक्र किया है वो नमाज हो जाएगी, बाद अज़ां इशा की नमाज के बाद आपकी शाही मस्जिद में 11 बजे ज़िक्र, दुआ, बयानात, नात व मनकबत, इसका एक सिलसिला शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला, और ये सिलसिला यकीन है कि हमारे और आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारामत साबित होगा। आपसे गुजारिश है कि आप हजरात इस शाही जामा मस्जिद में तशरीफ़ लाकर दीन और दुनिया की सआदतें हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम।